वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और खिलाड़ियों के खिलाड़ी बहुत ही टैलेंटेड हमारे बीच हैं अक्षय कुमार। बस 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 आस्था, इतनी भी तारीफ मत करो तुम मेरी। मैं तुम्हारी कहां, मैं तो अक्षय कुमार की तारीफ कर रही थी जो कि फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। खैर, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम और पढ़ाई पर तो जोरों से ध्यान देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो कि हमें फिट रखती है और हमें हेल्दी रखती है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, उनकी कहानियाँ सुनी और कैसे वो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। एक्सपीरियंस लोगों से गाइडेंस लीजिए और उस इन्फॉर्मेशन को अपने बुलेट जर्नल में फिल कीजिए। उसके अलावा आप जाइए अपने बड़ों के पास और उनको अपना प्लान बताएं ताकि वो आपको उसमें कमियां निकाल के दे सकें और आपका जो प्लान है वो हमेशा रिफाइन और फोकस रहे। आजकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर www.mapofme.in पे जाके मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें और शुरू करें अपनी जर्नी हमारे साथ। खैर, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रो टिप वीडियो को। नमस्कार, हेलो, आदाब दोस्तों, मैं अभिरूपा बैनर्जी बीटी में कार्यरत हूँ। बीटी अर्थात ब्रिटिश टेलीकॉम पर अत्यंत आभारी हूँ कि आज इन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं आपके सामने बैठ कर कुछ विषयों पर आलोचना करूँ। जी, आज हम बात करते हैं कुछ यंग वुमेन की जो हाल ही में कॉलेज पास आउट करके चाहती हैं इंडिपेंडेंट बनना, चाहती हैं कदम रखना ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनल दुनिया में। आपके पास प्रोफाइल तो है, डिग्री भी मिल गई, पर फिर भी आपको सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि रिक्रूटर्स ढूंढते हैं कुछ अलग, वो है आपका नॉलेज। अगर आपके चारों ओर क्या घटनाएं घट रही है, अगर आप इस बारे में आपको ज्ञान ना हो तो ये एक गलत इंप्रेशन छोड़ती है। आपसे विनती है कि आप जाकर वीडियोस देखें, उपलब्ध ऑनलाइन मीडिया देखें, बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें और इससे अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं आप कुछ टिप्स पे जो आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगी कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर, कल्चर, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पे आप ध्यान दें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टिप ये है कि कभी सीखना ना भूलें। सीख एक ऐसी चीज़ है जिसे जब तक हम जीवित हैं हमें सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी फेलियर से सीखें। टिप नंबर टू ये है कि अपना माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अब तक तो थी आप कॉलेज में, अब है आप ऑर्गेनाइजेशन में। आपको प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयर पे फोकस करके आपको अपना काम करना पड़ेगा। टिप नंबर थ्री आपके लिए ये है कि आप है इंडिपेंडेंट पर आपको एज अ टीम लेवल पे परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं। जी हाँ, नेक्स्ट टिप आपके लिए ये रहेगा कि आप खुद के काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहें और खुद ही जवाबदेही रहे। उसके बाद जो टिप आपको मैं बताने वाली हूँ वो है बड़ा ही जरूरी, क्योंकि ये जॉब होगा आपके लिए पहला जॉब और आपको इस जॉब को बनाना पड़ेगा एक मौका ताकि आप अपनी कदम प्रोफेशनल दुनिया में अच्छे से टिका पाए। इन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उम्मीद है आप हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में सफलता जरूर करेंगे। इन सब के बाद आता है समय का ज्ञान। अगर आप में समय का ज्ञान ना हो तो आपको लोग गैर जिम्मेदार तक समझ सकते हैं। आपकी योग्यता, आपकी लर्निंग और आपकी अखंडता पे सवाल उठ सकता है। तो दोस्तों, समय का पालन हमेशा करें क्योंकि समय ही आपको अनुशासित करती है। और इन सब चीजों से पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। जितना आपका मानसिक स्थिति स्टेबल होगा उतना ही आप एक्टिव रह पाएंगे। और मानसिक स्थिति कब स्टेबल होता है? जब आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी। उसके लिए नियमानुसार साइकिलिंग एवं अन्य व्यायाम करना अनिवार्य है। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं
तो आपको आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो उभर कर आएगी। आप सब में आपको लोग महत्व देंगे, आपको लोग कहेंगे कि आप एक ट्रेंड सेटर हैं, आप एक उदाहरण बन सकते हैं सबके लिए। दोस्तों, एक ओवरऑल पर्सनालिटी, एक अच्छा शरीर, अच्छा मन ही एक अच्छा इंसान बना सकता है। अगर आप खुश हो तो ही आप आसपास के लोगों को खुश कर सकते हो। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुश रहे, सफल रहे, धन्यवाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के यूथ से स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में। हेलो गाइस, बात करते हैं हमारे यंगिस्तान से और जानते हैं इनकी विशेष टिप्पणी। तो गाइस, आप लोग एक बात बताइए कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? इम्पोर्टेंस तो काफ़ी है, आई थिंक सबको स्पोर्ट है, कोई ना कोई स्पोर्ट अडॉप्ट करना ही चाहिए, एज सून एज दे कैन, दैट्स बेटर फॉर देयर हेल्थ एज वेल। उससे हम फिट रहते हैं, स्पोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है, और फिट रहने से मतलब यंग दिखेंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी। कितना टाइम आपके हिसाब से डिवोट करना चाहिए यू नो एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में? एज अ किड, इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 4 to 5 hours आउटसाइड और एटलीस्ट 2 to 3 nowadays, at least, नॉट बाय करंट scenario, बट एटलीस्ट 2 to 3 hours इन अ डे यू शुड स्पेंड आउटसाइड, इधर प्ले एनी स्पोर्ट और गो टू जिम और एनीथिंग, जस्ट बी फिट एंड बी हेल्दी। रेगुलर रहेंगे तो उसका बेनिफिट रहेगा, अगर एक दिन करेंगे एक दिन फिर उसका छोड़ देंगे उसको, फिर उससे उसका इफेक्ट नहीं रहेगा ना इतना अच्छा, बस इसलिए रेगुलर रहना जरूरी है। एटलीस्ट अगर हम 1 hour भी करें डेली, बस रेगुलर रहें तो वो यू नो काफ़ी टाइम लोग डिवोट नहीं कर पाते हैं, अपने जॉब में काफ़ी बिजी हैं या अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी हैं, तो टाइम डिवोट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग फिजिकल फिटनेस के लिए, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम निकाला जा सकता है। अभी आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि निकालना मुश्किल है आधा घंटा। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही योगा वगैरह कर सकते हैं, आजकल इतना सब कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं तो आप सीख सकते हैं। तो आजकल का लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो चुका है कि लोग एक्चुअली अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, तो स्पोर्ट्स तो काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल पिछले सालों से काफ़ी फीमेल एथलीट्स आ रही हैं, यू नो पीवी सिंधु, साक्षी मलिक एंड ऑल फोगाट सिस्टर्स, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स का फ्यूचर में क्या स्कोप है फॉर वुमेन? आज कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि दोनों जेंडर्स में कुछ भी इनइक्वालिटी रही नहीं है, तो स्पोर्ट्स में भी अगर वो चीज़ हट रही है ये अच्छा ही है एज अ कंट्री हमारे लिए। सो नाउडेज आई डोंट सी एनी डिस्क्रिमिनेशन वाई वुमेन कैन एनी बी लेस, कैन बी एनी लेस देन मैन एक्चुअली, सो स्कोप इज इमेंस, व्हाटएवर स्पोर्ट यू वांट टू प्ले दे वांट टू प्ले दे कैन, देर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कि लड़की है स्पोर्ट खेल सकती है, लड़का खेलता है लड़की नहीं खेल सकती, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दैट। अच्छा है वो स्पोर्ट्स में जाएगा, एग्जैक्टली गवर्नमेंट का काफी हम भी सपोर्ट करें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो फिर उनके लिए बेटर होगा, इट्स अ गुड थिंग, मतलब अपना कंट्री का प्राइड करेंगे तो, जैसे साक्षी मलिक सब करते हैं बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो एग्जैक्टली गाइज, स्पोर्ट्स अगर आप परस्यू करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्दी रखेगा, एंड स्पोर्ट्स करने का बहाना ढूंढे गाइज ताकि आप खुद को एक्टिव और फिजिकली फिट रखें। टीम वर्क इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा और कॉलेज लाइफ में भी हेल्प करेगा, और साथ साथ में गाइज वुमेन के लिए स्पोर्ट्स इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग, दे कैन मेक देयर ओन चॉइस, लेकिन गवर्नमेंट और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें ताकि वो आगे बढ़े और अचीव कर सकें हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू हर्ष, हम सब MC मैरीकॉम को तो जानते ही हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं हमारी अगली यंग बॉक्सिंग चैंप आकांक्षा मिश्रा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं, तो आइए देखते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मेरी एज 23 इयर्स है और मैं इंडिया के लिए खेल चुकी हूँ 4 बार और मैं अभी भी बॉक्सिंग कर रही हूँ प्रोफेशनली। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बॉक्सिंग करती थी और मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व थी। उसके बाद मैंने 2 महीने की जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें मैंने शुरू किया, उसके बाद एक पहला टूर्नामेंट खेला जिसमें कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, गोल्ड था। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग शुरू की और खेलती गई और 2012 नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया, उसके थ्रू मैं इंडिया कैंप में गई, वहाँ से 2013 जनवरी में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, दैट वाज माय डेब्यू एंड आई गॉट सिल्वर मेडल ओवर देयर टू।
बहुत ही मोटिवेशनल था वो मेरे लिए, फैमिली के लिए। बॉक्सिंग एक बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट है, ऐसा नहीं है कि आप पे स्ट्रेंथ है और आपने किसी को मारा और वो गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो विद अ वेरी गुड टेक्निक। और बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, बहुत ही मनी फ्रेंडली स्पोर्ट है, कोई भी परस्यू कर सकता है। अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करें जहां आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको एक गुड कोचिंग मिलेगी, आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हैव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्पोर्ट्स ले लो, किसी भी करियर को आप अगर परस्यू करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में हो तो आपका न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ऑल राइट, अगर आप दो टाइम की प्रैक्टिस कर रहे हो, रियली नीड टू गो फॉर लाइक 8 to 9 hours स्लीप। फीमेल बॉक्सर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि खुद को सेफ कैसे करना है, सामने हिट कैसे करना है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है एक लड़की के लिए कि अगर वो किसी भी डेंजर में है जहाँ उसको खुद को सेफ करने की ज़रूरत है, खुद को सेफ करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम सेफ्टी पे काम करना चाहते हैं स्पेशली वुमेन के लिए, सबसे पहले हमें ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा लड़कियों को। वी जस्ट नीड टू टीच आर बॉयज हाउ टू बिहेव विद अ वुमेन, हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल। हम हर लड़की को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, मेंटली और फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी से लड़ पाए सामने से। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट बॉक्सिंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही होती बॉक्सिंग के बिना। तो शुरू से ही मेरा सिर्फ बॉक्सिंग ही रहा है और मैं बॉक्सिंग में ही रही हूँ। बिल्कुल सही बात कही आकांक्षा ने कि लड़कियों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो बाहर दुनिया में किसी भी सिचुएशन से डील कर सकें। उन्होंने विमेन सेफ्टी को भी हाईलाइट किया जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो दोस्तों, आकांक्षा से हमने ये समझा कि बॉक्सिंग स्पोर्ट सभी के लिए है। अगर आप इस क्षेत्र में 10,000 घंटे दे सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट। दोस्तों, देरी किस बात की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस क्विज में आप भाग जरूर लीजिए, क्योंकि जीतने वालों को मिल सकता है JKD मार्शल आर्ट्स की तरफ से पासेस, जो योगा, फंक्शनल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स जैसे चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला सवाल, ऐसी कौन सी वुमेन्स चैंपियन एथलीट है बॉक्सिंग में जो अपने पूरे करियर में कभी नहीं हारी? हिंट इज मोहम्मद अली। एंड दूसरा सवाल है कि शाहरुख खान ने कौन सी फिल्म में एक वुमेन्स हॉकी टीम के कोच का रोल का अभिनय किया है? अपना जवाब दें www.mapofme.in और जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पहले 20 सही जवाब देने वालों को ही मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कसरत के खिलाड़ी की ओर। ये एक नेशनल लेवल 100 मीटर स्प्रिंटर हैं। सुनते हैं शैली से। मेरा नाम शैली अरोड़ा है, मैं 21 ईयर्स की हूँ। आई एम स्पोर्ट्स पर्सन इन एथलेटिक्स 100 मीटर रेस। मेरी मम्मा को लाइक स्पोर्ट्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो भी इस चीज़ की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, और इस वजह से वो चाहती हैं कि मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं। तो इस वजह से मैं सेकेंड क्लास से ही स्पोर्ट्स में हूँ और मैंने एथलेटिक्स के एंड फुटबॉल के बहुत सारे नेशनल्स भी खेले हुए हैं। जब मैं 100 मीटर करती हूँ तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ 100 मीटर कब स्टार्ट हुई है कब ख़त्म हुई है हमें नहीं पता लगता, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो मैं 5 or 4 kilometers इस वजह से करती हूँ कि मैं अपना पावर बिल्ड कर सकूँ और उस चीज़ पे देख सकूँ कि हाँ कि लाइक मैं कितने टाइम पे अपने 100 मीटर कर सकती हूँ। इसमें बेसिकली बहुत सारी टेक्निक है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्ट कैसे करते हो, आप कैसे खड़े हो रहे हो उस फील्ड में और आप कैसे भाग रहे हो, ठीक है, आपका हर एक चीज़ पॉइंट नोट होता है वहाँ पे कि लाइक आपकी एंडिंग क्या है और आपकी स्टार्टिंग क्या है। मैं कुछ टेक्निक्स बताती हूँ अगर किसी को रनिंग में आना है, तो हम उसको स्टार्ट बताएंगे सबसे पहले कि हम स्टार्ट कैसे करें, उस फील्ड में आपकी बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप कैसे रन करो, आप सामने वाले पर्सन को रनिंग करते वक्त भी कैसे अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हो। जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके ये हैं कि लाइक आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता है और आपको रनिंग शूज़ एक आते हैं आपको वहाँ से शॉप से बाय करने पड़ेंगे। आपके पास एक मेडिकल किट भी होनी चाहिए, कभी भी नहीं पता होता कि आपको इंजरी कब हो जाए। स्पोर्ट्स में लड़कियां इसी रीज़न से नहीं है कि लाइक पेरेंट्स ऐसे कहते हैं आप लड़की हो आप घर के अंदर ही रहो, आपकी लाइक एजुकेशन करके आप 12th पास आउट करके आप उनको शादी कर देते हो। सो ये सबसे गलत है, लड़कियों को भी जीने का हक है जितना लड़कों को होता है। मैं लोगों को इंकरेज करना चाहूँगी कि वो घर से बाहर निकले, स्पेशली लड़कियों को, कि वो स्पोर्ट्स में आए खेले, एक बार देखे कि हाँ आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, आप अपनी फिटनेस देखो, घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, प्लीज आप स्पोर्ट्स में एक बार अपना करियर बना के देखो। वेल सेड शैली,
गर्ल्स, आई होप कि आपने उनकी बात पे ध्यान दिया होगा। लड़कियों को भी उतना ही जीतने का हक है जितना कि लड़कों को है। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। अरे हर्ष, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं अपनी और कुछ खूबसूरत औरतों की हिफाजत कर सकूं। तुम रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं और अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारी भी। बस ये आसान सी सेल्फ डिफेंस मूव्स प्रैक्टिस करें। मेरा नाम बिंदिया शर्मा है। आई थिंक जो फिटनेस को फॉलो करते हैं वो ज़रूर मुझे जानते होंगे। आई एम दी ओनली इंडियन WBFF प्रो, दैट इज़ वर्ल्ड्स ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन। आई रन अ जिम इन मालवीय नगर जहाँ हम डिफरेंट टाइप के एथलीट्स को रेडी करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे वर्क करते हैं। आज हम बताएंगे सेल्फ डिफेंस में। मैं आपको बहुत ही स्पेशल किसी से मिलवाने वाली हूँ आज, जो MMA फाइटर हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि फीमेल्स को ज़रूर से सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। पहले एक दो चीज़ें हम ज़रूर से बताएंगे कि क्या आपको रोड पे चलते हुए सेफ्टी रखनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रोड पे चल रहे हैं। तो आज का पहला मूव बहुत ही सिंपल है, रिस्ट ट्विस्टिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आप फ़ोन लेके चल रहे हैं हाथ में और सामने से कोई फ़ोन लेने ही आए तो ये उसके लिए है। ध्यान से देखिएगा। हमारा दूसरा एक्शन है नेक होल्डिंग। फ्रंट से अगर आपका कोई ऐसे गला पकड़ ले तो आपको कैसे छुटना है। जब आपको कोई ऐसे पकड़े तो आपको फोन ये फोरम ऐसे मारना है और ऐसे करके मार के फिर भाग जाना है। थर्ड एक्शन हम कर रहे हैं कि अगर पीछे से आपकी नेक को किसी ने पकड़ा हो या आपको पकड़ा हो तो कैसे आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं। यहाँ से पकड़िए रिस्ट को, अपना लेग लॉक करा यहाँ नीचे से, शोल्डर पकड़ा। नाउ अब शोल्डर से पूरा बॉडी को उठा के नीचे फेंक दिया। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने वेट ट्रेनिंग पे जरूर फोकस करिए और स्ट्रांग बनिए ताकि आप फ्लिप कर सकें। जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोई वेपन अपने साथ रख सकते हैं। मैं हमेशा अपने साथ ये स्टिक रखती हूँ और ये बहुत ज़ोर की लगती है, इजी टू कैरी। इसको ऐसे फ्लिप करूँगी ये खुल जाएगी और लॉक हो जाएगी और ये बंद भी हो जाएगी। सो मैं इसको अपने कपड़ों के अंदर रखती हूँ। इसका ओपन एरिया ऊपर की तरफ होता है और ये अंदर साइड में होता है कि किसी दूसरे को नहीं दिखता है कि आपने क्या अंदर पहना हुआ है। जैसे आप कहीं भी खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंड समबडी अटैक्स यू फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अगर आपके पास हमला होता है तो आप रेडी नहीं हैं ऑब्वियसली कि आप पे अटैक होगा, तो आप थोड़ा झटपटाएंगे पहले। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लेग्स हमेशा थोड़े वाइड रहें ताकि आपके लिए आसान हो जाए किसी को भी फ्लिप करने के लिए, क्योंकि वेट है उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा खुद ही वेट अपना नहीं संभल पाएगा, अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मैं स्टेबल रहूँगी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा, जस्ट टुक दिस आउट एंड हिट द शिन। शिन बोन बहुत ही ज़्यादा जोर की यहाँ पे लगती है, इनको मारिए और गिरा दीजिए और मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए और भाग जाइए। ये थी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। वी हैड अ ब्लास्ट एंड स्टे सेफ। आई होप कि हम आपको कुछ सिखा पाए और आप इनको ज़रूर से यूज़ करिए। बहुत ही बढ़िया डेमोंस्ट्रेशन दिया WBFF प्रो एथलीट बिंदिया शर्मा ने। 26 स्टेप्स में स्टेप 10 आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको हानि पहुंच सकती है तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप इनको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। इसीलिए आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी मस्कुलर मेमोरी बने और आप एकदम से रिएक्ट करें ऐसे सिचुएशंस में। इवन बेटर,
सेल्फ डिफेंस क्लासेस में एनरोल कीजिए हमारे इस क्विज में भाग लेके और आप जीत सकते हैं जेकेडी मार्शल आर्ट्स के पासेस। तो पहला सवाल, वर्ल्ड की ऐसी कौन सी फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन है जो अपने पूरे करियर में कभी नहीं हारी? और दूसरा सवाल, शाहरुख खान ने कौन सी फिल्म में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच का रोल निभाया था? तो साइन अप कीजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजिए, क्योंकि ये पहले 20 सही जवाब देने वालों को ही मिलेगा। वैसे दोस्तों, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस देखने में तो बड़ा मजा आता है, ये भी एक स्पोर्ट है। पार्क्योर या फ्री रनिंग आपको रखता है ओवरऑल फिट, चेक इट आउट। जब मेरे घर में मैंने खुद ही बताया था, मैंने वीडियो दिखाई थी मम्मी को कि मम्मी देखिए मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है करो लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए। पहले मैंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था, मेरी फैमिली को लगता था मैं डांस कर रहा हूँ, डांस के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरी जब एक दो वीडियोज़ आ गई यूट्यूब पर, उसके बाद मैंने घर वालों पर मम्मी को बताया, पापा को बताया कि मम्मी मैं ये करता हूँ, ये पार्कोर है, मैं डांस नहीं करता। तो पहले तो मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं तो घर पर बैठती है कुछ नहीं करना। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ ये लड़का जो करता है सेफ्टली करता है। हम अपनी कुछ भी करने से पहले उसको बहुत बार ट्राई करते हैं नॉर्मल ज़मीन पे। अगर हम कुछ भी चीज़ें हाइट पे कर रहे होते हैं 6 फुट 7 फुट, उसको उससे पहले हम ग्राउंड लेवल पे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं कहीं भी। काफ़ी टाइम होता है कि हम नीचे चीज़ें कर रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें भी ज़्यादा चोट नहीं लगती, छोटी मोटी चीज़ें जैसे 5 फुट का गैप है उस पर हम जंप कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो वहाँ पर हमारा पैर मुड़ गया, एंकल मुड़ गया, गिर गए, वहाँ पर चोट लग गई। तो ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो हाई लेवल की चीज़ों में नहीं रहता, लो लेवल की चीज़ों पर रहता है रिस्क करना। सबको सीखना चाहिए पार्कौर, क्योंकि पार्कौर बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, क्योंकि हम जब पार्कौर करते हैं हम मेंटल बहुत अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कुछ भी करने से पहले कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं। फिटनेस है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी में फंसे हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, वहाँ से अपने आप को सेफली बचा सकते हो, गिरते हो फौरन सेफ कर लेते हो, क्योंकि हम पार्कौर में बहुत बार गिरते हैं और हमें पता है कि सेफ कैसे करना है, गिरते हम फौरन सेफ हो जाते हैं। हमारी टीम में ही बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पार्कौर कर रही हैं, जो हम जो क्लास ये लेता है ट्रेनिंग में उसमें आती हैं 4-5 गर्ल्स जो करती हैं पार्कौर, वो हमसे मतलब लड़कों से पूरा कम्पीट करती हैं। पार्कौर स्कूल में सिखाना चाहिए छोटे बच्चों को, कम से कम नॉर्मल जंपिंग, चढ़ना उतरना इतना तो आना चाहिए बच्चों को कि वो कहीं से भी चढ़ सके उतर सके, अपने आप को बचा सके। मतलब पार्कौर का जो परफेक्ट एज है सीखने की वो 8 से 9 साल है। अगर एक बच्चा 8 से 9 साल में अगर पार्कौर सीखने लग जाता है ना, तो अगर वो मान लो किसी और को भी नहीं बचा पा रहा है लेकिन खुद की सेफ्टी कर सकता है। पार्कौर स्पोर्ट्स सबके लिए, सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप डूइंग पार्कौर। वेल दोस्तों, ये दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे देते हैं तो आप भी अक्षय कुमार की तरह स्टंट्स कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ट्रेन प्रोफेशनल से क्लासेस लें और फुल प्रिकॉशंस लें, हर्ष की तरह नहीं। मम्मी, वेरी गुड, अच्छा हुआ और बनो हीरो, इसीलिए कहा था कि सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं हर्ष, तुम भी प्रैक्टिस करो और क्या पता अगले एपिसोड में तुम ही अक्षय कुमार बन के आओ, है ना। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। याद रखिए कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मैं आस्था इसी के साथ चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैं अपनी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।